आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है बिग बॉस में? विकास मेहता। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा गेम खेलते हैं। आपको क्या लगता है इस बार का बिग बॉस का विनर कौन होगा? टॉप थ्री नाम दो। टॉप थ्री विकास मेहता, शिल्पा शिंदे और फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है बिग बॉस में? हिना खान। क्यों? मतलब उसका किरदार, उसका मतलब बात करने का स्टाइल मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। यही बोलना चाहूँगी हिना खान के लिए कि हिना बेस्ट है, हिना के लिए मेरा सबसे प्यारा मैसेज है कि हिना ही आगे बढ़ के आएगी। इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगी कि वही आगे आए। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है मैम बिग बॉस? सुपर नितिन तेजवानी और हिना खान बोलता है लेकिन सुपर एंड बहुत अच्छे से गेम खेल रहे हैं। थोड़ा नीट है ऐसे, तो गाली गलौज नहीं करते और पॉलिटिक्स कम है उन लोग में कम्पेयरिटिवली। तो अगर गाली गलौज जो आरसी ये लोग जो करते हैं उनके बारे में आपका क्या? मेरे को लगता है कि ये 10th ईयर है, खाली गाली गलौज करने से तो प्रोग्राम नहीं चलेगा। लाइक यू शो सम कंटेंट ऑल्सो। गालियाँ तो सबको आती है पर खाली वो देख के टीआरपी या कंटेंट नहीं बढ़ाना चाहिए। शो सम पब्लिसिटी या शो सम एंटरटेनमेंट जैसे आकाश करता है, कुछ एंटरटेनिंग करो ना। खाली ये झगड़ा 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 मतलब स्क्रिप्टेड लगता है। कौन आपको नहीं पसंद है? आई डोंट लाइक अ पर्सनैलिटी। मतलब मुझे वो एक बार देखने से और वो जिस तरह से बातें करती है ना मुझे तो चीप लगती है। वो शिल्पा सिंह। क्यों? कौन अच्छी नहीं लगती आपको? कौन अच्छा है? हिना खान के बारे में क्या राय है? हिना और आरसी के बीच में जो झगड़े होते रहते हैं बिग बॉस के घर में, आपको मजा आता है? झगड़ा देखने मजा वो उसका हमको पसंद नहीं, उसका किसका भी नहीं। वो क्या पब्लिक के लिए जो बच्चे देखते हैं सभी देखते हैं, समझा हम हमारे टाइम पास कभी कभी देखते हैं जो, पर घर में जो बच्चे रहते हैं कभी वो देखते हैं तो उनके ऊपर असर गलत दिखता है। तो आप बिग बॉस वालों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बिग बॉस को ये बताया जो दिखाना है वो अच्छा दिखा दो, ये सब मत दिखाओ। हाँ, ये प्रेम भीम कहानी उधर मत दिखाओ, जो सीरियल में चलते उधर ठीक है, लेकिन उधर अगर अच्छे के लिए सब इकट्ठा हुए है, सब ऊपर नीचे सब लोग है उधर, ऐसा नहीं है। ओके ओके, थैंक हिना। उसके जो रोने का मतलब क्या बोल जाते हैं तरीका रहता है, वो बहुत कॉमेडी तरह के रोती है। और उसके जो फाइट्स आरसी के साथ है, OMG कुछ बोलो है मत, देखने के लिए बहुत मज़ा आ जाता है देखने या आपको कौन सा कंटेस्टेंट पसंद नहीं है? ऐसा देखने जाए तो कोई भी ऐसा है नहीं, एवरीवन अ गुड। अच्छा, और ये पुनिश और बंदगी, बंदगी सूट नहीं होती तो इवन दे शुड नॉट डू ऑल दैट दे डू फ्रंट ऑफ द कैमरा या ऑन द स्क्रीन, दे शुड नॉट डू लाइक दैट। पर उनके लिए वो नॉर्मल ही है तो कुछ बोल नहीं सकते। क्या आपको लगता है कि ये जो कर रहे हैं टीआरपी के लिए है? टीआरपी के नहीं, नहीं टीआरपी के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। बाकी आकाश और शिल्पा इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप बॉन्ड हो रहा है, वो देखा जाए तो ऐसा लग रहा है वो गेम खेल रहे हैं, बाकी कुछ है नहीं, पर देखा जाए तो वो लोग गेम खेल रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, उसकी स्माइल बहुत क्यूट है, जब मेकअप करती है OMG बहुत खूबसूरत लगती है। मेरी मम्मी की भी बहुत फेवरेट है वो। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? आरसी खान। क्यों? बिकॉज शी वॉज लाइक कि वो हर चीज़ को एंटरटेन करती है, मतलब वहाँ पे कुछ भी होगा ना उसका आंसर जो होता है दैट वॉज वेरी एंटरटेनिंग। उसका और हिना खान का जो झगड़ा होता है आप एंजॉय? या डेफिनेटली बिग बॉस इसीलिए देखते हैं, झगड़ा देखने के लिए लोगों की, मतलब उनका कैसा है वो जिस तरह से बात करते हैं, बाद में उनका क्वेश्चन आंसर सेक्शन होता है, उसके बाद उनकी लड़ाई चलती है, दैट वाज द अमेजिंग पार्ट ऑफ द बिग बॉस बिकॉज ऑफ दैट आई एम वाचिंग। पसंद नहीं है बिग बॉस में से? पसंद नहीं, वो ढिंचैक पूजा को रखा है जो दैट वॉज नॉट एट ऑल एंटरटेनिंग, उनका सॉन्ग ही एंटरटेनिंग होता है, शी वॉज नॉट एट ऑल एंटरटेनिंग। आई डोंट लाइक कंटेस्टेंट्स, मेरे हिसाब से हिना खान, आरसी खान एंड द गाय वॉज कमिंग फ्रॉम पंजाब वॉज वेरी लाइक मैं ऐसा हूँ, मेरे बाप का बहुत अमीर बेटा हूँ। अच्छा, और वो ही या ही वॉज लाइक वो बहुत स्मार्टली लोगों को यूज़ करता है, लाइक उनका जो भी है अभी वो लड़कियों के साथ उनका बहुत चल रहा है, लाइक शी वॉज द गर्ल आई डोंट रिमेम्बर, तो उनका लाइक वो हर किसी को इंटरटेन कर रहा है वहाँ पर, जस्ट वहाँ पर रहने के लिए, नॉट फॉर लाइक कि ऐसा नहीं कि उनको जीतना है, उनको जीतने के लिए वो स्ट्रेटजीज बना रहे लोगों को यूज़ करके, लाइक लोगों के नज़र में अच्छा रहूँ मैं
और कुछ अच्छा कर लूँ ऐसा. यस पुनिश एंड बंदगी डेफिनेटली. तो वो दोनों भी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम तक रुक पाएंगे उसमें. वो लोग जो कर रहे हैं लोगों को पसंद नहीं आ रहा कि दे आर मेकिंग इट ऑन. या डेफिनेटली दिस इज द रियलिटी शो बिकॉज नॉट लाइक कि अगर एक इंडिविजुअल पर्सन अभी मेरे फैमिली में शो चलता तो हर कोई बैठ के देख रहा है लाइक माई पेरेंट्स एंड इवन आई. सो दिस इज रियलिटी शो. यू आर नॉट हियर लाइक रोमांस करने के लिए आप लोग को नहीं रखा गया शो में, इंटरटेन करने के लिए रखा गया. तो यू आर डूइंग सच थिंग दिस नॉट गुड थिंग. तो आप बात करिए दैट्स अ थिंग. आपको जो रोमांस करना घर जाके कीजिए. ये शो में आप चालू हैं ऑनलाइन दिस इज नॉट द थिंग. सो आई डोंट नो. या डेफिनेटली शी वॉज डूइंग वेरी गुड और इफ शी वॉज फेसिंग द थिंग्स तो वो जिस तरह से हैंडल करती दैट्स अ गुड थिंग. तो अगर वो वैसे रहेंगे तो डेफिनेटली जीतेंगे. थैंक यू सो मच.